हेलो फ्रेंड्स, लर्नवन की एक्सेल सीरीज में अभी तक हम एक्सेल के अलग अलग फंक्शनैलिटीज देख चुके हैं, पर कभी कभी सिर्फ डाटा ही काफ़ी नहीं होता है। आपका डाटा कभी कभी बोरिंग हो सकता है या वो इतनी आसानी से सबको समझ में नहीं आता। इस केस में अगर हमको अपनी शीट को और एक इफ़ेक्टिव लुक देना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं चार्ट्स, या फिर आसानी से किसी भी चीज़ को कंपेयर करना हो या किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा देखना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चार्ट्स। चार्ट्स ऐड करने के लिए हमारा सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम एक डाटा को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर हम अल्टर और F1 को प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं अल्टर और F1 को प्रेस करता हूँ, एक चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। जो भी डाटा मेरा सेलेक्टेड है और उसकी जो भी वैल्यूज़ है उसके वर्सेस यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट हो गया। जैसे ही चार्ट इंसर्ट होता है, उसी के साथ आप देख सकते हैं मेरा रिबन सेक्शन में भी एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसका नाम है चार्ट टूल्स। चार्ट टूल्स के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, पर बेसिक मीनिंग अगर समझे तो डिज़ाइन मतलब कि जो भी मेरा चार्ट ऐड हुआ है उसका डिज़ाइन और उसी की ही फॉर्मेटिंग। जब कभी भी हम अल्टर और F1 को प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ऐड होता है। हो सकता है कि ये चार्ट बेस्ट चार्ट नहीं हो, पर जब भी हम डिफ़ॉल्ट अल्टर F1 करते हैं तो हमेशा यही चार्ट इंसर्ट होता है। अभी के लिए हम इस चार्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं यूजिंग डिलीट बटन। अब सपोज़ अगर हमारे पास ये वाला डाटा है तो जब कभी भी आप कोई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट साइड की चीज़ें यानी कि उनके नाम्स और उसके टॉप साइड की चीज़ों को भी इंक्लूड कीजिए ड्यूरिंग द सेलेक्शन ऑफ डाटा। अब हम एक दूसरे तरीके से यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने इंसर्ट टैब में और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिकमेंडेड चार्ट्स। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे वो इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ द चार्ट्स ओपन हो जाता है जिसमें अलग अलग तरीके के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। सपोज़ मुझे ये चार्ट नहीं चाहिए, वापस मैं इंसर्ट में जाता हूँ रिकमेंडेड चार्ट्स में और मुझे जिस तरह का भी चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है उस तरह का चार्ट लेके मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चार्ट्स है, जैसे कि क्लस्टर्ड कॉलम, एक है स्टैक्ड कॉलम, फिर है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स और उसके बाद वापस क्लस्टर्ड बार्स, और इस तरह से हमारे पास अलग अलग चार्ट्स के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अभी फ़िलहाल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को यूज़ करता हूँ। हम जैसे ही उसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो हमारा चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है और उसी के हिसाब से डिज़ाइन और फॉर्मेट के जो दो टैब हैं वो चार्ट टूल्स के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। चार्ट टूल्स के दोनों टैब, जैसे ही मैं चार्ट के बाहर किसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो वो दोनों टैब यहाँ से निकल जाते हैं। अभी के लिए हम इसको साइड में रखते हैं। चार्ट को ऐड करने का एक और तरीका होता है, अगर मैं वापस से अपना ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही इसे छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे से एक क्विक एनालिसिस आइकन यहाँ पर अपीयर होता है। जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल्स, टेबल और स्पार्कलाइन जैसे कुछ ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पर चार्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ, किस तरह का चार्ट मुझे रखना है वो रिकमेंडेड चार्ट्स में यहाँ पे मुझे दिखाता है। अगर मुझे और चार्ट्स देखने हैं तो मैं मोर चार्ट्स पे क्लिक कर सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम जो कि हम यूज़ कर चुके हैं उसी तरह का एक और चार्ट यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो अलग अलग तरीक़ों से अभी यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करवाया। फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं और हमारे पुराने चार्ट को वापस ऊपर ले आते हैं। हम अपने इस चार्ट को भी अब डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास अगर हमको इस पूरे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले नहीं कराना है चार्ट में, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा साउथ यहाँ पर नहीं दिखे, मैं पहले प्रोडक्ट और नॉर्थ को सेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल को यूज़ करके मैं ईस्ट और वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो चार्ट है वो एक दूसरी शीट में आए, उसको
बनाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, F11। जैसे ही मैं F11 प्रेस करता हूँ, आप हमारे शीट टैब में देख सकते हैं कि एक चार्ट वन नाम की एक अलग से शीट आ गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन बार से नॉर्थ का, ईस्ट का और सिर्फ वेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर साउथ नहीं है, हमने साउथ का डाटा सेलेक्ट नहीं किया था। अब अगर आपको चाहिए कि आप इस चार्ट को यहाँ से मूव करके वापस अपने एक्सेल शीट में ले जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके मूव चार्ट को कर सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ चार्ट चाहिए या आपको सिर्फ चार्ट पे फोकस करना है, आपको चार्ट का प्रिंट निकालना है, तो इस केस में आप अपने चार्ट को एक अलग शीट पर शो करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी एक्सेल शीट में भी कोई चार्ट ऐड करते हैं, तो उसको भी हम राइट क्लिक करके मूव करा सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से ही डिसाइडेड है कि हमको इस डाटा के लिए एक बार चार्ट चाहिए, तो हम डायरेक्टली चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट। यहाँ पर चार्ट वाले सेक्शन में या चार्ट्स वाले ग्रुप में हमारे पास सबसे पहला आता है कॉलम चार्ट्स। यहाँ पर उसकी जस्ट बाजू में आप पास में आप देख सकते हैं बार चार्ट। सो अगर मुझे बार चार्ट इंसर्ट करना है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, टाइप ऑफ बार चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरा चार्ट इंसर्ट हो जाता है। इसके अंदर जब भी हम कुछ भी डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट कॉलम्स और मेरी टॉप रो अलग से हाईलाइट हुई है। सो ये बनते हैं मेरे लेबल्स और लेजेंड्स। साथ में आप देख सकते हैं जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो कुछ नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। साथ में मेरे पास यहाँ पर चार्ट टाइटल भी अवेलेबल होता है। सो इस तरह से आप किसी भी शीट के अंदर किसी भी चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने अलग अलग तरीके से चार्ट्स को इंसर्ट करके देखे थे।